नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल देवता के 11वें भाव के परिणामों के ऊपर। मंगल अगर हमारी जन्म कुंडली में 11वें भाव में विराजमान होता है तो किस तरह के परिणाम होते हैं। 11वां घर जो है वो हमारे बड़े भाई का है, प्राप्ति का है, लाभ भाव है। ये प्राप्ति का तात्पर्य ये होता है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, शादी हो, संतान प्राप्ति हो, नौकरी हो, हर वो चीज़ जो है उसमें हमें उस चीज़ की प्राप्ति होना जो है वो कहीं ना कहीं इस लाभ भाव से जुड़ा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भाव माना गया है लाभ का। तो मंगल यहाँ पे बैठ जाए तो किस तरह के परिणाम देगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर हम काल पुरुष की जन्म कुंडली में देखें तो मंगल यहाँ पे कुंभ राशि में बैठता है और कुंभ राशि जो है वो मंगल के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मंगल अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देता है। क्योंकि मंगल जो है वो भाई का कारक है और इस भाव में बड़े भाई को देखा गया है। बड़ा भाई जो है पिता के समान है, तो यहाँ पे मंगल के परिणाम बड़े अच्छे भी आते हैं। हम किसी भी ग्रह का परिणाम जब आंकलन करते हैं तो उसमें हम दो तरह के परिणामों को निकालते हैं। जैसे कि एक तो होता है कुछ अनुमानित परिणाम, जैसे कि अनुमानित परिणाम वो जो काल पुरुष की जन्म कुंडली को आधार मान के बनाए जाते हैं। दूसरा वो परिणाम है जो हम अपनी जन्म कुंडली के ऊपर फलित करते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में अलग अलग परिणाम है। मान लीजिए मेरा मंगल 11वें घर में बैठा है और आपका भी 11वें घर में बैठा है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक जैसा ही परिणाम देगा। बहुत सारे लोगों का ये संकोच होता है कि हम दोनों का परिणाम तो एक जैसा ही होगा, मंगल 11वें घर का है तो ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब कोई राशि वहां पे आती है तो उस राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं और उसके अंदर बहुत सारे उप नक्षत्र चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मंगल जो है वृषभ राशि में है, आपका मंगल किसी और राशि में हो सकता है, तो उस प्रकार उसका अर्थ निकालिए। फिर कई लोग जो है उसकी डिग्री से उसका आंकलन कर लेते हैं। जैसे कि मंगल यहाँ पे 13 डिग्री का, इसका मतलब ये तो बड़ा अच्छा बैठा है, मजबूत बैठा है तो अच्छे परिणाम देगा। किसी का 27 डिग्री का है तो वो कमजोर हो गया, अच्छा परिणाम नहीं देगा। तो ये जो आंकलन है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन जब हम नक्षत्र को निकालते हैं तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आकलन होता है। जैसे हमने देखा कि मंगल जो है वो 13.11 डिग्री रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में बैठा, यानी रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र। अब कोई भी ग्रह जब अपना परिणाम देता है तो सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा जो है अपने नक्षत्र का देता है। तो यहाँ पे मंगल जो है वो रोहिणी का देगा, यानी चंद्रमा है, रोहिणी नक्षत्र का जो मालिक है वो चंद्रमा है। तो यानी चंद्रमा जो है जन्म कुंडली में 12वें घर में राहु के साथ ग्रहण योग में बैठा है। तो यानी कि ये मंगल जो है वो यहाँ पे अच्छा परिणाम नहीं देगा, क्योंकि 12वें घर में बैठा और वो भी ग्रहण योग में। तो आप इसका आंकलन इस तरह से निकाले तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद क्या है, हम पहले अनुमानित परिणामों का आंकलन कर लेते हैं कि क्या क्या अनुमानित परिणाम यहाँ पे आ सकते हैं, उसके बाद हम कैसे इसको फलित करेंगे और कैसे इसके परिणामों को देखेंगे। शायद में अगर हमें जिस परिणाम को देखना है, जैसे हमें शादी का परिणाम देखना है, नौकरी का देखना है, व्यवसाय का देखना है, या फिर हेल्थ से संबंधित है या एजुकेशन का है, तो उस सब के लिए उसकी सहायक कुंडलियां होती है। जैसे शादी के लिए 9 मास है, कर्म के लिए 10 मास है, संतान प्राप्ति के लिए 7 मास है। तो उस प्रकार बाकी ग्रहों की भी, बाकी जो भाव हैं उनकी भी जन्म कुंडलियां सहायक जन्म कुंडलियां होती है। तो कुछ अनुमानित परिणाम के ऊपर मैं चर्चा करता हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल जो है वो उच्च राशि का होकर विराजमान है तो जातक जो है वो परम भाग्यशाली होता है, तेजस्वी होता है, धन लोलुप होता है, पुण्य आत्मा होता है, 2 शुभ ग्रहों से युक्त हो। जैसे यहाँ पे मंगल जो है वो 2 शुभ ग्रह से युक्त हो, ये एक बहुत ही बड़ा राजयोग बनता है जिसे हम महाराजा योग कहते हैं। यानी कि मंगल 2 शुभ ग्रह, 2 शुभ ग्रह मतलब जैसे शुभ ग्रहों में सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु है, बुध भी है और शुक्र भी है। सूर्य को जो कई लोग शुभ नहीं मानते क्योंकि उसे जो है वो क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन सूर्य भी शुभ होता है। तो इस तरह से अगर 2 शुभ ग्रहों की युति में है मंगल तो आपके यहाँ पे राजयोग दे देता है। इस लाइन में भी एक लाइन और छिपी है कि आप जब 2 शुभ ग्रहों को देखते हो तो ये देखो कि इस जन्म कुंडली के 2 वो शुभ ग्रह जो इस जन्म कुंडली के लिए योग कारक हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि शुक्र, क्या शुक्र इस जन्म कुंडली के लिए योग कारक है? हाँ, शुक्र भी इस जन्म कुंडली के लिए योग कारक, क्योंकि वो चतुर्थ भाव का मालिक है और लाभ का मालिक है। और एक चंद्रमा जो इस जन्म कुंडली का योग कारक है, एक यहाँ पे गुरु जो है वो भी इस जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह है। तो यहाँ पे अगर हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य जो है इस जन्म कुंडली के लिए एक तरह से मारक भाव बन गया, यानी मारक है। तो सूर्य यहाँ पे योग कारक नहीं है। अगर हम बुध को देखें तो बुध भी यहाँ पे योग कारक नहीं है, क्योंकि बुध जो है वो 3रे घर का और 12वें घर का मालिक है। तो हमें इस जन्म कुंडली में 2 शुभ ग्रह को लेना है। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पे हम नहीं ले सकते, तो बुध, शुक्र ले लीजिए और गुरु ले लीजिए। अगर शुक्र और गुरु दोनों इस ग्रह के साथ विराजमान है तो ये एक तरह से महाराजा योग बन जाता है। जातक को अच्छा भाई मिलता है, हर कार्य में लाभ मिलता है,
बड़े बड़े लोगों से जानकारी होती है, हर तरह के कार्यों में उसे सफलताएं मिलती है। ये महाराजा योग जो है बहुत ही कम लोगों की जन्म कुंडली में बनता है। और इसके अलावा यदि मंगल जो है 11वें घर में किसी शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो या शुभ ग्रह से युक्त ना हो और उसके ऊपर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक जो है वो बुरे लोगों की संगति में रहता है और उनमें धन हानि का भी योग बनाता है, साथ में अपनी स्थायी संपत्ति की हानि करता है। और अगर यहाँ पे शुभ ग्रह की दृष्टि में है तो जातक जो है वो राजा की कृपा का लाभ लेता है, अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं, शत्रुओं का नाश होता है। और इसके उपरांत मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि अथवा मकर राशि में स्थित हो तो जातक को मित्रों से सहायता मिलती है और संपत्ति का भी लाभ रहता है। और इसके अलावा आपकी जो भी लग्न की जन्म कुंडली है उस लग्न की कुंडली में अगर मंगल एक योगकारक ग्रह है और वो जिस राशि में बैठा है वो राशि का स्वामी भी इस जन्म कुंडली में एक योगकारक ग्रह है और वो अच्छी जगह विराजमान होता है तो जातक को बहुत अच्छा लाभ होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि ये जो कर्क लग्न की जन्म कुंडली है इसमें मंगल देवता जो है पंचम घर के मालिक हैं, दशम घर के मालिक हैं, एक योग कारक ग्रह हैं और वो जो है वो विराजमान है आपके 11वें घर में। और 11वें घर में जो राशि आ रही है वृषभ राशि है और वृषभ राशि का जो मालिक है वो है शुक्र देवता और शुक्र देवता यहाँ पे अष्टम भाव में विराजमान है जो यहाँ पे शुभ नहीं है। अगर वही शुक्र देवता नवम भाव में विराजमान होते तो इस जन्म कुंडली में मंगल एक राजयोग बना देता। तो राजयोग में जातक जो है वो सूरवीर बनता है, बुद्धिमान बनता है, देशभक्त बनता है और बहुत ही भाग्यशाली और अपने स्वपराक्रम से उच्च पद और उच्च धन प्राप्त करता है। और यदि मंगल जिस राशि में बैठा है उस राशि का मालिक कहीं छठे आठवें और बारहवें घर में चला जाए तो जातक जो है वो अकेलेपन में रहता है। और इसके पश्चात मंगल 11वें घर में बैठा हुआ अगर दशम घर से जुड़ता है तो जातक के लिए कर्म के लिए लाभदायक है, जैसे यहाँ पे दशमेश है। और इसके अलावा यदि मंगल किसी नीच राशि में बैठा है या फिर अपने शत्रु की राशि में बैठा है तो जातक यहाँ पे अकेला रहता है, क्रोधी होता है, कटुभाषी होता है और कहीं ना कहीं अपने पुत्रों द्वारा ही पीड़ा भोगता है। और यदि 11वें घर का मंगल अपनी दृष्टियों से, अपनी राशियों से, अपने नक्षत्र से या फिर अपनी राशि स्वामी से कहीं ना कहीं पंचम घर से और तीसरे घर से जुड़ जाए तो जातक जो है वो पराक्रमी बनता है, खेल कूद में बहुत अच्छी उसकी जो रुचि रहती है और अच्छा खेल कूद करता है। और अगर वो अपने नक्षत्र के द्वारा दसवें घर से जुड़ जाए तो जातक जो है वो उसी खेल को अपना जो है वो कर्म बना लेता है और उसी कर्म में वो बहुत अच्छा राजयोग लाता है, क्योंकि तीसरा घर जो है वो पराक्रम का भी है, फील्ड के अंदर खेलने कूदने का है। पांचवा घर जो है वो हमारे शोक सुविधाओं का है तो उस खेल को हम अपना शोक बना लेते हैं। और यहाँ पे दसवां घर जो है उसको कर्म बना देता है, लाभ घर जो है वहां पे प्राप्ति बना देता है। मंगल जो है वो शरीर में ऊर्जा का कारक है तो इस तरह के जो खेल होते हैं आउटडोर जो खेल है उसमें मंगल की भूमिका सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहती है। इसके अलावा यदि जन्म कुंडली में मंगल शुभ है, उसका राशि स्वामी भी शुभ बैठा है और वो कहीं ना कहीं मजबूती से चतुर्थ भाव से जुड़े तो जातक जो है वो खेती के कारोबार में, पशुओं के कारोबार में और घर बनाने से संबंधित यानी बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग बनाने से संबंधित बिल्डर्स हैं उनका कारोबार भी करने का योग बनाता है। और इसके अलावा यदि मंगल छठे घर से जुड़े तो नौकरी में अच्छा राजयोग देता है। अगर यदि मंगल सातवें घर से जुड़े तो कामकाज व्यवसाय में अच्छा काम दिलाता है। मंगल अष्टम भाव से जुड़े और कहीं ना कहीं अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो या अशुभ राशि में बैठा हो यानी कि शत्रु राशि में तो जातक को मंगल नुकसान दे देता है। यहाँ पे मंगल मानसिक तनाव और घर में वास्तु दोष का भी योग बना देता है। इसके अलावा अगर नवें घर से जुड़े तो जातक धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति बनता है, न्यायप्रिय होता है और न्याय की रक्षा करने वाला व्यक्ति बनता है। दशम घर से जुड़े तो जातक जो है अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, काम के प्रति समर्पण की भूमिका रहती है हमेशा उसकी। और 12वें घर से जातक के लिए जुड़े तो जातक को जो है बड़े इन्वेस्टमेंट यानी कि जैसे बिल्डिंग बनाना है, गाड़ियों का कोई कारोबार है, क्योंकि मंगल जो है मशीनरी का कारक है यानी वो मशीनरी जो बड़ी है महंगी आती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसका योग भी बनाता है 12वें घर का अगर जुड़ाव करें तो। जैसे कि यहाँ पे मंगल जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है तो 12वें घर से जुड़ा तो यहाँ पे राहु के साथ ग्रहण है तो ये थोड़ी सी तकलीफ है। अगर
सीधा अगर चंद्रमा से जुड़ता राहु नहीं होता और फिर भी अच्छे ग्रहों का मालिक बनता तो राजयोग दे देता। तो इस प्रकार आप उन योगों को समझ सकते हो, ये तो एक अनुमानित परिणाम है। अब हम अपनी जन्म कुंडली में कैसे फलित करेंगे, मैंने जैसे कि आपको बताया है नक्षत्रों के द्वारा, तो सिंपली तौर पर आपको ये देखना है कि मंगल किस नक्षत्र में बैठा है। मंगल आपको चंद्रमा का नक्षत्र समझ में आया कि यहाँ पे चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। अब आप देखिए कि इस जन्म कुंडली में मंगल की भूमिका क्या है। जैसे हमने कर्क लगन की जन्म कुंडली देखी, आपकी अगर मेष लगन की है, सिंह लगन की है, जो भी लगन है, तो यहाँ पे हमने मंगल योग कारक देखा। इसका राशि स्वामी जो है वो आठवें घर में गया, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे मंगल का नक्षत्र भी बारहवें घर में चला गया, तो हम ये मान सकते हैं इस जन्म कुंडली के लिए मंगल की भूमिका कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। मंगल यहाँ पे अच्छा परिणाम नहीं देगा, यानी अपनी मादशा दशा में मंगल यहाँ पे जातक को रुलाएगा ही रुलाएगा, क्योंकि बारहवें घर से संबंध बना इसका स्ट्रॉन्ग और फिर उसका आठवें घर से संबंध बना, तो यानी कि आठवां बारहवां और फिर ग्यारहवां, तो लाभ देगा लेकिन वो खर्चा उसके साथ जोड़ के देगा, तो वो लाभ फिर क्या मतलब, तो इसलिए उसको कोई फायदे वाली स्थिति नहीं बनाएगा। और फिर क्या है कि यहाँ पे पांचवें घर का भी मालिक है, पांचवें आठवें का बारहवें का योग बनाता है, तो यहाँ पे नुकसान का योग बहुत ज्यादा तीव्र योग बनाते हैं, तो यहाँ पे नुकसान का योग बनता है। इस प्रकार आप अपनी जन्म कुंडली में इसको फलित करें, तो इस तरह से जो नक्षत्र के द्वारा फलित करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो वीडियो था ये ग्यारहवें घर से संबंधित था, आप इस वीडियो को आराम से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मंगल से संबंधित अगर पहले भाव से लेके दसवें भाव तक के परिणाम और वीडियो को देखना चाहते हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल में वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो, उनमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और भी ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं, फलादेश से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे जो है, जिनमें जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया हुआ है अच्छी तरह से, आप उनका देख के आनंद भी ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।